हरिद्वार के पार्क ग्रैंड होटल में स्पर्श गंगा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ लोगों को कूड़ादान बांटकर गंगा को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि ने भी सभी लोगों को गंगा के प्रति स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि गंगा हमारा गौरव है और इसको बचाना, इसका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की एक बेटी जहां सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी बेटी आरुषि पोखरियाल निशंक भी समाज सेवा के सहारे मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान से जुड़कर गंगा की सफाई में लगी हुई हैं। आजकल वो हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सामाजिक लोगों को गंगा के प्रति स्वच्छ रखने का निवेदन भी किया। कह रहे हैं कि गंगा सफाई 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो सर हो सकता है इसमें सालों भी लग जाए, लेकिन मैं खुशी इस बात की व्यक्त करती हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति इस देश में मोदी जी जैसा और डॉक्टर निशंक जैसा आया, जिसने इस बारे में सोचा और हजारों और लाखों करोड़ों लोगों को इस मुहिम से जोड़ा। मैं इस बात पे खुशी व्यक्त करती हूँ। स्वच्छता अभियान के लिए जो हमारे यहाँ पर ये कुछ कंपनियों द्वारा जो डब्बे दिए गए हैं, जो कूड़ा होता है उसमें डालने के लिए, या काफी लोगों को बांटे गए हैं, कुछ संस्थाओं को भी दिए गए हैं, कुछ पुलिस स्टेशनों पर पहुँचाए गए हैं और गाँव के जो कुछ प्रमुख लोग आए उनको दिए गए, और मैं समझता हूँ लोग इनका सदुपयोग करेंगे। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।